Hello friends, I am optometrist Janhavi Raghuwanshi. Welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लाइटवेट फ्रेम के बारे में. सबसे हल्का चश्मा कौन सा हो सकता है आज की वीडियो में हम ये जानेंगे. जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम ग्लासेस यूज करने वाले हैं तो आपको काफी कॉन्शियस होंगे कि कहीं बहुत ज्यादा वेट का चश्मा ना हो और आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसी से आप आसानी से बच सकते हैं. इसके अलावा अगर आप स्पेक्स यूज भी करते हैं और कुछ ऐसा चश्मा चाहते हैं जो काफी हल्का हो, लाइट वेट हो, देखने में भी अच्छा लगे और पहनने में भी कंफर्टेबल हो, बिकॉज लुक्स की वजह से कभी कभार हम हैवी वेट के फ्रेम ले लेते हैं और फिर उससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और फिर हम अपना चश्मा लगाना ही बंद कर देते हैं. बट आज हम ऐसे चश्मे के बारे में जानेंगे जो लाइट वेट होगा, पहनने में भी आपको लुक अच्छा देगा, कंफर्टेबल रहेगा. तो उसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखें. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए. इस चैनल पर आपको आई रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहते हैं. साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें. आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि अगर हम बात करें सबसे लाइट वेट फ्रेम की, तो लाइट वेट फ्रेम में हमारे पास में ऑप्शन रहता है रिमलेस का, जिसे हम थ्री पीस भी कहते हैं. थ्री पीस उसका नाम होता है बिकॉज उसमें सिर्फ स्टिक होती है और दो हमारे टेम्पल यानी कि साइड में ईयर के पास में दो स्टिक होती हैं और नोज पर एक स्टिक होती है, क्योंकि उसमें थ्री फ्रेम के टुकड़े होते हैं, थ्री पीस होते हैं, इसीलिए इसका नाम थ्री पीस बोला जाता है. इसके अलावा इसे हम फ्रेमलेस के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इसमें फ्रेम नहीं होता है. इसमें आपको लेंस मिलता है और सिर्फ स्टिक मिलती हैं जो आपके लेंस को जोड़ती हैं, तो इसीलिए इसको हम फ्रेमलेस भी बोलते हैं या फिर रिमलेस के नाम से भी इसे जाना जाता है. ये चश्मा बहुत लाइट वेट होता है बिकॉज फ्रेम नहीं है तो लाइट वेट तो होगा ही, बिकॉज आप किसी भी मटेरियल में फ्रेम लेने जाओ फ्रेम का वेट तो रहता ही है. अगर आप मेटल में लेते हो या फिर एसीटेट में या फिर टीआर में, फ्रेम का वेट तो रहता ही है. बट बिकॉज हम ऐसा चश्मा लेने वाले हैं जिसमें फ्रेम आता ही नहीं है तो फ्रेम का वेट होता ही नहीं है. जो वेट होता है वो होता है सिर्फ लेंस का. तो अगर आप एक ऐसा चश्मा चाहते हैं जो पहनने में बिल्कुल लाइट वेट हो, ऐसा फील ही ना हो कि आपने चश्मा पहन रखा है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है रिमलेस का, फ्रेमलेस का. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऐसा फ्रेम जिसे आप प्रोफेशनल लुक दे सके, जैसे अगर आप ऑफिस में पहन के जाए या फिर अगर आप टीचर हैं तो उस हिसाब से अगर आप प्रोफेशनल अगर हम बात करते हैं तो रिमलेस बेस्ट होता है बिकॉज इसमें फ्रेम नहीं होता तो फंकी लुक का तो सवाल ही नहीं उठता, डिसेंट लगता है और लुक को स्मार्ट देता है. तो अगर आप प्रोफेशनल लुक चाहते हैं तभी भी आप फ्रेमलेस पर जा सकते हैं. बट फ्रेमलेस में एडवांटेज तो बहुत है, आपके लुक्स को ग्रो अप करता है, साथ ही आपको लाइट वेट देता है, कंफर्टेबल देता है, पहनने में भी हल्का फील होता है. बट इसमें एक थोड़ी सी परेशानी है, उसको भी हम जानेंगे कैसे दूर किया जाए. फ्रेमलेस में एक जो दिक्कत आती है वो आती है बिकॉज इसमें फ्रेम होता नहीं है, जो वेट होता है लेंस पर आता है और इसकी वजह से चश्मे का लेंस बार बार टूट जाता है. और रिमलेस लोग इसीलिए चूज नहीं करते बिकॉज बार बार लेंस टूटने की प्रॉब्लम आती है और उनको नया चश्मा लेना पड़ता है. बट आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, आप दूसरे पॉलीकार्बोनेट लेंस यूज करना है. जी हाँ, लेंस में मटेरियल आते हैं CR39 आता है, पॉलीकार्बोनेट आता है. CR39 फुल फ्रेम के लिए बेस्ट है, पर अगर आप रिमलेस पर जाते हैं, फ्रेमलेस पर जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पॉलीकार्बोनेट. पॉलीकार्बोनेट मटेरियल स्पेशली बना होता ही रिमलेस के लिए है, ये टफ मटेरियल होता है और इसमें लेंस ब्रेकेज नहीं होती. बाइक से अगर आपका चश्मा गिर गया, आपका फोन गिर गया, हो सकता है आपका फोन टूट जाए, बट आपने अगर
पॉलीकार्बोनेट लेंस का मटेरियल यूज कर रखा है अपने ग्लासेस में, तो आपके ग्लासेस ब्रेक नहीं होंगी। तो अगर आप एक ऐसा चश्मा चाहते हैं जो लाइट वेट हो, तो उसके लिए आप फ्रेमलेस ले सकते हैं। लेंस बार बार टूटने की दिक्कत ना आए, तो उसमें आप पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज कर सकते हैं, और इससे आपकी लेंस की टूटने की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और आप एक हल्का चश्मा आसानी से पहन पाओगे। पॉलीकार्बोनेट लेंस में भी आपको सारे कोटिंग्स मिल जाते हैं। अगर आप एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग चाहते हैं या फिर ब्लू कंट्रोल ग्लासेस चाहते हैं, वो सभी कोटिंग आपको पॉलीकार्बोनेट मटेरियल में मिल जाएंगे, पॉलीकार्बोनेट लेंसेस में मिल जाएंगे। तो अगर आप रिमलेस फ्रेम बनवा रहे हो, तो बेटर है कि आप पॉलीकार्बोनेट लेंस ही डलवाएं, जिससे कि आपको बार बार लेंस टूटने की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। साथ ही किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर आईज। थैंक यू।